साफ हो गया है कि 40 दिनों में 7 बार सांप के काटने वाली बात में कोई दम है ही नहीं। जी हाँ, विकास की बात हम कर रहे हैं, वो विकास जो फतेहपुर का रहने वाला है और 24 साल उसकी उम्र है। उसी विकास के दावों का सच अब सबके सामने आ चुका है, खुलकर आ चुका है। दरअसल विकास की उस थ्योरी में कोई दम नहीं लग रहा है जिसमें उसका ये कहना था कि एक ही सांप ने उसे 40 दिनों में 7 बार काटा और सपने में आकर वही सांप ये कह रहा है कि 9वीं बार जब वो सांप उसे काटेगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी। सात बार सांप काटा, कहाँ कहाँ काटा था और कैसे कब कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था, अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो ऐसा सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था आपसे? सपने में आया था तीसरी बार में कि 9 बार काटे गए, 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे। दरअसल जब ये मामला बढ़ता चला गया तो एक तरफ पूरा परिवार परेशान हुआ और दूसरी तरफ प्रशासन तक मामले की खबर पहुंची। इसके बाद इस मामले की जांच की गई, ये पता किया गया कि कौन सा सांप है जो बार बार एक युवक को ही अपना शिकार बनाने पर आमादा है। हालांकि शुरुआती तौर पर ही इस बात को मानने के लिए प्रशासन तैयार नहीं था कि कोई सांप एक युवक के ही पीछे पड़ा हो और वो भी तब जब युवक अपना स्थान भी बदल रहा हो। दरअसल विकास नाम के युवक की तरफ से ये दावा किया गया कि सांप ने उसे उसके घर में 4 बार काटा, जिसके बाद वो अपनी मौसी और दूसरे रिश्तेदारों के घर रहने चला गया, लेकिन सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वहां पर भी उसे काटा गया। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 2 जांच टीम बनी थी, एक टीम मेडिकल स्तर पर जांच कर रही थी तो दूसरी टीम ने ये पता लगाया कि वो कौन सा सांप है जो एक ही शख्स के पीछे पड़ा है। इसकी जांच वन विभाग की तरफ से बनाई गई एक टीम भी कर रही थी। खास बात यह कि दोनों ही टीमों को एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे इस युवक के दावे की पुष्टि हो पाए। युवक के दावे के विपरीत मेडिकल तौर पर जो टीम जांच कर रही थी उसने ये पाया कि युवक को सांप ने केवल 1 बार ही पहली बार काटा था। युवक के शरीर पर जो निशान मिले उनमें स्नेक बाइट केवल 1 ही बार का पता चला, बाकी 6 बार का नहीं। इतना ही नहीं, मेडिकल टीम ने जांच में यह भी पता किया कि कहां युवक का इलाज किया गया था, वहां जाकर पूछताछ डॉक्टर से की गई। दरअसल नियम यह है कि जब भी कोई स्नेक बाइट का मामला अस्पताल में पहुंचता है तो डॉक्टर परिजनों से ये सवाल करते हैं कि किस प्रकार के सांप ने व्यक्ति को काटा है, ताकि उसी अनुसार बीमार का इलाज किया जा सके और डोज तय किया जा सके। लेकिन इस मामले में किस प्रजाति के सांप ने युवक को काटा इसकी जानकारी नहीं बताई गई, बार बार भी नहीं बताई गई। खास बात यह भी कि युवक को 7 बार इलाज एक ही अस्पताल में हुआ, यहां डॉक्टर ने नॉर्मल डोज का एंटीवेनम कुल 4 बार युवक को दिया था, लेकिन 3 बार यह एंटीवेनम भी नहीं दिया गया। इससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि युवक को सांप ने केवल 1 ही बार काटा था और बाकी उसका वहम था। इसे मेडिकल भाषा में स्नेक फोबिया भी कहा जाता है। अब स्नेक फोबिया आखिर होता क्या है ये जरा जान लीजिए। फोबिया यानी कि तर्कहीन डर, कहते हैं कि किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाने के बाद फोबिया हो जाता है। विकास को भी सांप के 1 बार काटने के बाद स्नेक फोबिया हो गया, उसे बार बार ये लगता कि वो सांप दोबारा आ गया और उसे डस लिया। इसी कारण उसने सभी को ये बताया कि उसे 40 दिनों में 1 फन वाले सांप ने ही 7 बार काट लिया। हर बार जब उसे ऐसा लगता तो वो अस्पताल भी चला जाता जहां पर उसका इलाज भी कर दिया जाता। इससे विकास को ये भ्रम और बढ़ता गया कि उससे लगने लगा कि सच में सांप काट रहा है। अगर निजी अस्पताल वाले उसे ये बताते कि उसे सांप ने नहीं काटा है तो शायद इतने दिनों तक वो इस डर में नहीं जी रहा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अभी इस बात का पता लगाना बाकी है कि आखिर विकास के शरीर पर जो बाकी 6 बार के निशान हैं वो बने कैसे, क्या विकास ने ही इन निशानों को बना दिया या फिर बात कुछ और है। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले की जांच कर रही वन विभाग की टीम का भी ये कहना है कि जहां जहां विकास ने सांप के काटने की बात बताई थी वहां वहां पर जाकर चेकिंग की गई, जांच की गई, लेकिन किसी सांप का कहीं कोई पता नहीं चला। इतना ही नहीं, जिस सांप के काटने का जिक्र विकास कर रहा था उसे किसी और ने देखा तक नहीं था, यानी कि ये साफ हो गया कि यह विकास का भ्रम है, डर है। लेकिन विकास का ये स्नेक फोबिया उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों पर भी काफी भारी पड़ा है।
क्योंकि विकास के दावे के बाद एक तरफ जहां परिजन उसे अस्पताल लेकर बार बार भागते रहे और वहां का लंबा चौड़ा बिल भरते रहे, तो दूसरी तरफ ओझा, तांत्रिक और गुनिया तक की शरण लेते रहे। इतना ही नहीं, परिवार इतना परेशान हो गया कि विकास के इलाज के नाम पर उसकी माँ के गहने तक उन्हें बेचने पड़ गए। ये परिवार किसी के बताने पर यूपी के फतेहपुर से राजस्थान के दौसा स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंच गया, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से हुई जांच ने सब साफ कर दिया है। हालांकि विकास के मन से ये स्नेक फोबिया कैसे दूर होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो भी यही तर्क दे रहा था कि 9वीं बार में उसकी जान लेने के बाद सांप उसे सपने में बताकर गया हुआ है। मेरे 3 सदस्यीय टीम जो यहाँ तामसनई मेमोरियल हॉस्पिटल गई है, वहाँ पर हम लोगों ने BST देखी है और उसके डॉक्यूमेंट देखी है। देखने के बाद में एक पॉइजन, स्नेक बाइट पॉइजन का पेशेंट भी वहाँ लेटा हुआ था। तो 6 बार की BST हमको मिली है, तो BST से जाहिर होता है कि इनको एंटीवेनन भी लगाया गया है, एंटीबायोटिक भी लगाई गई है और इंजेक्शन दिए गए हैं। तो देने के पश्चात विकास दुबे का जो हम लोगों के सामने जांच में आया है, तो मुझे हम लोगों को लगता है कि इनको स्नेक फोबिया है। तो ये अभी तो यहाँ फतेहपुर में है नहीं, अगर जब ये लौट करके आएंगे तो इनके हम परिवारजनों से लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के पश्चात जब ये अगर मेरी मदद करना चाहेंगे तो इनकी हम साइकेट्रिक डॉक्टर से या मानसिक रोग विशेषज्ञ से हम इनका इलाज कराना सुनिश्चित करवाएंगे। क्या पर्चे सर आप? मैं डॉक्टर आरके वर्मा, डिप्टी CM फतेहपुर। हालांकि इस मामले में अब मनोचिकित्सकों से सलाह लेने की बात कही गई। दरअसल विकास का मामला कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि मामला तो ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि कुछ वक्त पहले ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी निकलकर सामने आया था। यहाँ पर एक लड़का बार बार सांप के काटने की शिकायत किए जा रहा था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश ही उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से ही सांप के काटने के निशान बना लिया करता था। इसके पीछे के कारण की अगर बात करें तो वो है भ्रांति जो सदियों से चली आ रही है। ये माना जाता है कि सांप अपना बदला लेता है, खास तौर पर नागिन तब बदला लेती है जब कोई उसके नाग को मार दे और वो उसका पीछा करती रहती है। हमारे समाज में आज भी ऐसी बातों और विचारों की चर्चा खूब होती है। इतना ही नहीं, इसी डर को फिल्मों में भी खूब सजा धजा कर परोसा गया, जो आम लोगों के, आम जन के मन में नागिन के बदले जैसी बात को और मजबूती देता रहा। यही कारण है कि एक बार सांप के काटने के बाद उस घटना से ज्यादा फिल्मों में देखी या अंधविश्वास में आकर बताई गई बातों का असर न केवल बड़ा होता है, बल्कि सोच भी वैसी ही बनने लग जाती है और विकास या फिर किसी और को इस बात पर यकीन होने लग जाता है कि सांप आकर उससे बदला लेने वाला है या आकर उससे बदला ले रहा है, लेकिन हकीकत से इसका दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नजर नहीं आ रहा है।